सुनील शास्त्री द्वारा लिखी गई ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस संस्मरण के द्वारा हम देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का आत्मचरित्र। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि अम्मा बताती हैं हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम के गहने हमें मिले थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तब मुंह दिखाई के गहने हमें मिले। बहुत से रिश्तेदारों ने, नातेवाईकों ने हमें कुछ ना कुछ दिया। उसी तरह हम जब बहादुरगंज में आए तो तुम्हारे जो बाबूजी थे उनके चाचा जी को कुछ कारोबार में घाटा आने के वजह से कुछ पैसे भी हमें देने पड़े। उसके बारे में हमने कभी पूछताछ नहीं की, कुछ जानकारी हासिल करने का भी प्रयास नहीं किया। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतें और मजबूरियों को समझाते हुए हमसे गहनों की मांग की, लेकिन हमने कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई हमें गहने देने के बारे में, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने प्रसन्नता से और खुशी से आपके बाबूजी को सभी गहने दे दिए। सिर्फ टिक्का, नथुने, बिछिया, ये सुहाग वाले गहने छोड़कर सभी गहने हमने दे दिए। जब दूसरे दिन उन्होंने हमसे पूछा कि आपने कुछ कहा नहीं, तो आपको कुछ पीड़ा हुई क्या, तो वो अपनी पीड़ा की नहीं रोक सके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब मिर्जापुर जाओगी तब गहनों के बारे में संबंधित तुम्हें कोई पूछेगा तो तुम क्या कहोगी। मैं मुस्कुराती हुई कहने लगी कि उसके लिए बारे में चिंता मत कीजिए, उसके बारे में मैंने सोच रखा है। मैं कह दूंगी कि गांधी जी ने कहा है, गांधी जी के अनुसार, कहने के अनुसार मैंने गहने पहने छोड़ दिए है, और कोई शंका भी नहीं करेगा। और तुम्हारे जो बाबूजी है तनिक देर तक चुप रहे, कुछ बोले नहीं और कहने लगे, तुम्हें यह बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ। तुम्हारा विवाह एक बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर की बात, लेकिन तुम्हारे गहने भी मैंने उतरवा लिए है। उसी तरह हम बोली, पर जो असल में गहना है तो वो आप ही है, गहनों की चिंता मत कीजिए, समय आ जाएगा तो गहने भी आ जाएंगे। सुख तो सदा आता जाता ही रहता है, सुख और दुख तो दिन और रात की तरह होते हैं। इसी तरह देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का हम इस कहानी के द्वारा एक परिचय ले सकते हैं कि उनके अंदर जो सरलता, सज्जनता, पर दुख कातरता जैसे गुण इस पाठ के द्वारा हम देख सकते हैं। धन्यवाद।